सोशल मीडिया पर एक फाइटर प्लेन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसके साथ दावा किया जा रहा है ये भारतीय हवाई सेना का एक लड़ाकू विमान है, जिस पर चार पेड़ और एक कौवे की तस्वीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को ट्रोल कर रही है। असल में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय खेमे का दावा था कि जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को भारतीय लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया है। मीडिया ने मरने वालों का आंकड़ा 300 के आसपास बताया था, जबकि उस वक्त की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने ऐसे सभी दावों का खंडन करते हुए दावा किया था कि भारतीय बमों से मात्र चार पेड़ नष्ट हो गए थे और एक कौवे की मौत हुई थी। इस तस्वीर को शेयर करने वाले कह रहे हैं कि लड़ाकू विमान पर चार पेड़ और एक कौवे की तस्वीर बनाकर इंडियन एयरफोर्स अलग ही लेवल पर पाकिस्तान को ट्रोल कर रही है। इसकी असलियत क्या है? अव्वल तो ये कि भारतीय वायुसेना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बेहद छिछला काम है, इसलिए इसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि ये दावे गलत हैं। लेकिन फिर भी हमने फैक्ट्स पता लगाने की कोशिश की। इस वायरल हो रही तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया तो जोन 5 एविएशन नाम की वेबसाइट पर एक फोटो गैलरी में ये तस्वीर मिली। इस तस्वीर में जहाज पर कोई पेड़ और कौवे की तस्वीर या कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शकों की सहूलियत के लिए हम ट्वीट की जा रही एडिटेड तस्वीर और असली तस्वीर साथ में रखकर दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खेल बॉर्डर के इधर ही हो रहा है। इस सब की शुरुआत दरअसल पाकिस्तान में हुई थी। ये वायरल हो रही तस्वीर असल में पाकिस्तानी प्रोपोगंडा का एक हिस्सा थी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को भारतीय वायुसेना को ट्रोल करने के मकसद से शेयर कर रहे थे। उन्होंने ये तस्वीर एडिट करते हुए शेयर करना शुरू किया था। इसके अलावा हमें एक और तस्वीर मिली जो कि एडिट की गई थी। इस केस में जो जहाज था वो था मिराज। आयरनी यही है कि अब भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स उन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए उसी प्रोपोगंडा को पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।